नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड को हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। भारत ने नीदरलैंड को एक तरफा मुकाबले में 56 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और फिर सूर्य कुमार यादव के ताबड़तोड़ अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 179 रन बनाए। लोक आस्था के महापर्व छठ में रेल यात्रियों की भारी भीड़, साथ ही स्थानीय जनता को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए पटना की ओर रेलखंड स्थित पुनारख स्टेशन पर 2 महत्वपूर्ण ट्रेन कोसी एक्सप्रेस तथा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के ठहराव की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के बाद स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि एक ओर जहां मोकामा में विधानसभा उपचुनाव होना है तो यह निर्णय भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्लू बीच की सूची में भारत के 2 और समुद्र तटों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तल पर हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गर्व का क्षण है, 2 और भारतीय समुद्र तटों ने ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में पुनर्गठित करने के बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे में गए क्षेत्र को लेकर भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा, उन्हें जब अपने पूर्वजों की जमीन पर सम्मान के साथ रहने का मौका मिलेगा। ईसाई समुदाय के सबसे धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक सनसनीखेज सच्चाई को दुनिया के सामने स्वीकार किया। उन्होंने माना है कि पोर्नोग्राफी का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई पादरी और नन भी इसकी चपेट में। उन्होंने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में पादरी और नन भी पोर्न देखते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। बीते 6 साल की ब्रिटेन को 5वां प्रधानमंत्री मिला है। लीज ट्रस के मात्र 44 दिन के कार्यकाल के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं बीते 2 महीनों के अंदर ही वह डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। हालांकि ब्रिटेन में सत्ता को लेकर इतनी अस्थिरता शायद पहले कभी नहीं थी। इससे पहले 1834 में ऐसा हुआ था कि 1 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता रहता है। कभी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए से निगरानी करता है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद नापाक हरकत करने से पहले पाक 10 बार सोचेगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लाभ के पद मामले में एक और राय मांगी है। दीपावली मनाने के लिए अपने गृह जिले रायपुर में मौजूद बैस ने बुधवार को एक समाचार चैनल के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में कभी भी एटम बम फट सकता है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। 3 बजे के बाद अदालत सजा का ऐलान की और उन्हें 3 साल की सजा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन हमला तेज कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन को हर तरफ से घेरने और उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। रूस की ओर से ताजा हमला यूक्रेन की पावर ग्रिड पर किया गया है। रूसी सेना ने बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचाने के लिए रात भर बमबारी की है। रूसी सेना इससे पहले यूक्रेन में स्थित जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने लैंगिक समानता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे भेदभाव से निपटने की दिशा में BCCI के पहले कदम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा पत्नी को कार से टक्कर मारने के आरोप में इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर पत्नी को कार से टक्कर मारने का उनका वीडियो वायरल हुआ था। वहीं पत्नी की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस बीच अब खबर आ रही है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार को खेले गए भारत नीदरलैंड मैच में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए इस मुकाबले के दौरान एक भारतीय दर्शक ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। अचानक मिले इस प्रपोजल से लड़की शुरुआत में हैरान तो हुई, लेकिन उन्होंने बिना देर किए अंगूठी के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शौर्य दिवस के मौके पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने देश हित का ध्यान नहीं रखा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 27 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था।
दिल्ली में इस साल नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के साथ 3 लाख ऐसे छात्रों की पहचान की गई है जो क्लास से गैर हाजिर रहते हैं। यह संख्या दिल्ली के स्कूलों के कुल छात्रों की संख्या का 18% है। ये छात्र या तो लगातार 7 दिन स्कूल नहीं आए या 30 में से 20 दिन गैर हाजिर रहे। 1 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक ऐसे 3,48,344 छात्रों की पहचान की गई है। इस वक्त महंगाई जीना मुश्किल कर रही है, उस वक्त एक ऐसी खबर आई है जो आपकी सैलरी बढ़ाने से जुड़ी हो तो दिल बाग बाग हो जाएगा। जिस वक्त महंगाई जीना मुश्किल कर रही हो उस वक्त एक ऐसी खबर आए जो आपकी सैलरी बढ़ाने से जुड़ी हो तो दिल बाग बाग हो ही जाएगा। खबर है कि 2023 में सबसे ज्यादा सैलरी भारत में बढ़ेगी। महंगाई का हिस्सा निकाल दे तो करीब 5% के आसपास का औसतन इजाफा आपकी सैलरी में हो सकता है। फिलहाल महंगाई दर करीब 7% के आसपास है तो कुल इजाफा करीब 10 से 12% का मान सकते हैं। अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आकाशा एयर की फ्लाइट से पक्षी टकराने की घटना सामने आई है। बर्ड हिट के बाद विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड हुआ। हालांकि फ्लाइट के डैमेज होने की खबर सामने आई है। आकाशा की पहली कमर्शियल फ्लाइट अगस्त में शुरू हुई थी। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी अन्य पार्टियों ने कमर कस ली है। अभी से कई विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हिमाचल विधानसभा की सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली सीटों में एक नाचन विधानसभा सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। त्योहार का सीजन चल रहा है और यात्री अपने घर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। खासकर छठ पूजा को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में उत्सुकता ज्यादा रहती है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों की इस जानकारी साझा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि छठ के लिए 250 से 14 ट्रेनें शुरू की गई हैं और 1.4 लाख बर्थ उपलब्ध कराई गई है। अलीगढ़ बीजेपी की नेता रूबी खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो महिलाएं बेखौफ होकर जी सकती हैं, आजादी में खुली सांस ले सकती हैं, वो पीएम भी बन सकती हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। शाह सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 27 और 28 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश को आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप को लेकर भी चर्चा होगी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कल से होगी। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों जहाँ बिहार के लोग रहते हैं छठ पूजा मनाया जाता है। हिंदी पांचवां के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी को समाप्त होता है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक एनटीपीसी लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पर ग्रेजुएट इंजीनियर की भर्ती के लिए विज्ञापन हाल ही में जारी किया है। एनटीपीसी द्वारा ईईटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार यानी 28 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और आखिरी तारीख 11 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, जिसका लोकार्पण प्रख्यात संत एवं रामकथा वाचक मुरारी बापू के हाथों 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जारी लोकार्पण महोत्सव के दौरान होगा। इस दौरान मुरारी बापू की रामकथा भी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामकथा भी सुनेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने पहले 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उन्होंने 39 गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाए और कैच आउट हो गए। अपनी इन 3 छक्कों की मदद से उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चीन एक तरफ खुद को विश्व की बड़ी महाशक्ति के तौर पर दिखाता है, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर काफी काली है। काली इसलिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। चीन के सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। चीन के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, 1,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तुर्की और पाकिस्तान के संबंध किसी से छिपे नहीं है। दोनों इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नहीं थकते हैं। बात चाहे कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की हो या फिर इस्लामिक सहयोग संगठन से इतर एक नया संगठन बनाने की कवायद हो, दोनों की ही दाल काफी गलती दिखाई देती है। इन दोनों के बीच की जुगलबंदी अब भारत और अमेरिका के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। रेल हादसे के ठीक दूसरे दिन झारखंड में पुनः एक भीषण हादसा हुआ। दुमका जिले में गुरुवार को एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इसके बाद तेल टैंकर ब्लास्ट कर गया। इसके बाद आसपास खड़ी 5 यात्री बसों में आग लग गई। देखते ही देखते चहुओं और कोहराम मच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों पर फोकस करते रहे केजरीवाल को अचानक हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कंचन कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, राजकुमार प्रसाद, दीपक कुमार, ओमकार सिंह, दीपक कुमार और गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके यहाँ छठ पूजा को लेकर घाटों की तैयारियाँ कैसी चल रही है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।